ठीक है, तो जो न्यू कमर्स आए हैं वो फिर से देख लें एक बार कि जो मशीन रहेगी, एक मशीन रहेगी डेवलपर की, एक रहेगी नॉर्मल यूजर की या फिर क्लाइंट की, क्लाइंट की। ठीक है, क्लाइंट अपनी मशीन पर उस एप्लीकेशन को केवल रन करके देखेगा। ठीक है, रन करके देखेगा, अगर उस एप्लीकेशन में कुछ चेंज करना है तो वो चेंज नहीं कर सकता। जावा एप्लीकेशन को यूजर और क्लाइंट केवल क्या करेगा, यूज करेगा या फिर रन करके देखेगा। अगर उस एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस आता है, कुछ अपडेट आता है, तो उस समय वो जो है वो डेवलपर एंड पर होगा, डेवलपर एंड और डेवलपर मशीन पर होगा। ठीक है, अगर जावा एप्लीकेशन में कुछ चेंज करना है हमें, ठीक है, तो वी हैव टू यूज जेडीके, जेडीके टूल्स। इफ यू वॉन्ट टू रन ओनली जावा एप्लीकेशन देन वी हैव टू यूज जेआरई सॉफ्टवेयर और जावा रन टाइम इन्वायरमेंट ओनली। ठीक है, तो डेवलपर मशीन पर हमें क्या क्या चाहिए सेटअप? डेवलपर मशीन पर हमें जेडीके चाहिए, ठीक है, जिससे हम क्या करें कि सॉफ्टवेयर को डेवलप कर लें। ठीक है, डेवलप करने के बाद अगर आप डेवलप करने के बाद सीधे क्लाइंट को हैंड ओवर कर देते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कि हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली आउटपुट जनरेट नहीं कर रहा हो, या उसमें कोई बग हो, या किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्लाइंट को हैंड ओवर करने से पहले या मार्केट में लॉन्च करने से पहले उस एप्लीकेशंस को हमें क्या करना होगा, टेस्ट करके भी देखना होगा। ठीक है, डेवलप करने के साथ साथ हमें क्या करना होगा, टेस्ट करके भी देखना होगा, रन करके भी देखना होगा, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की उस पर टेस्टिंग भी अप्लाई करनी होगी। तो टेस्टिंग अप्लाई करने के लिए डेवलपर की मशीन पर जेआरई सॉफ्टवेयर भी चाहिए, जेआरई सॉफ्टवेयर भी चाहिए, जिससे वो क्या करेगा, एप्लीकेशन को रन करके देख लेगा और उसकी टेस्टिंग हो सकेगी। ठीक है, तो डेवलपर मशीन पर हमें क्या चाहिए, जेडीके टूल भी चाहिए, साथ में जेआरई भी चाहिए। ठीक है, जेडीके टूल्स और जेआरई सॉफ्टवेयर, ये किस पर चाहिए हमें, डेवलपर मशीन पर या फिर जो प्रोग्रामर है उसकी मशीन पर हमें ये दोनों ही सॉफ्टवेयर चाहिए, जेडीके एंड जेआरई। क्लाइंट मशीन पर, क्लाइंट डेफिनेटली कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई अपडेट नहीं कर सकता कोडिंग में जाकर, तो उसकी मशीन पर केवल जेआरई चाहिए, जेआरई। ठीक है, जेआरई, अगर जेडीके होगा तो उससे कोई इश्यू नहीं होगा, लेकिन वो अपडेट वगैरह जानता ही नहीं, कर नहीं सकता। ठीक है, तो एटलीस्ट उसकी मशीन पर जेआरई चाहिए ताकि वो एप्लीकेशन को रन करके देख ले। ठीक है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे पास जावा सॉफ्टवेयर आपकी मशीन में इंस्टॉल होना। अब इससे जावा से पहले आप सी, सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, तो वहां पर क्या करते हैं आप कि आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप क्या करते हैं उसमें डायरेक्ट जाकर एडिटर में अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें जो सॉफ्टवेयर है, टूल्स हैं और एडिटर है, वो कैसा है, एम्बेडेड है या फिर इनबिल्ट है। लेकिन जावा में जब अभी आपने जावा सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, तो यहां पर दो ही फाइल्स आई या दो ही फोल्डर्स आए, देट आर जेडीके टूल्स एंड जेआरई रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का कोई एडिटर नहीं है, तो हमें अब प्रोग्राम को राइट करने के लिए एक एडिटर चाहिए। तो बेसिकली इनिशियल लेवल पर आप नोटपैड का यूज कर सकते हैं, नोटपैड एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे कैसे और रन कैसे करेंगे। तो अगर प्रोग्राम आपको राइट करना है तो यू हैव टू यूज नोटपैड सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग अ जावा प्रोग्राम। अगर आपको प्रोग्राम राइट करने के बाद प्रोग्राम को रन करना है तो हमें इसके लिए कमांड लाइन, कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करना पड़ेगा, तो कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करने के लिए आप कहां जाइए,
सिस्टम के लेफ्ट हैंड साइड जाइए, सर्च में आप लिखिए सीएमडी। सीएमडी जैसे ही लिखेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद यहां पर बाय डिफॉल्ट कोई सी सी ड्राइव आपको दिखेगी। सी ड्राइव में हो सकता है कि आप एक प्रोग्राम फाइल्स में हो या किसी भी ड्राइव में हो सकते हैं, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि हम प्रोग्राम हमारा कहां सेव करेंगे और उसको फिर रन कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप अपने सिस्टम में सपोज करें कि जो आपका जावा का सॉफ्टवेयर है वो आपके सी ड्राइव में जावा फोल्डर के अंदर एक जेडीके फोल्डर होगा और उसमें बिन के अंदर कुछ टूल्स होंगे, टूल्स लाइक जावा कंपाइलर, जावा इंटरप्रेटर, जावा डॉक्स और भी बहुत सारे टूल्स इसमें मिलेंगे बिन फोल्डर के अंदर। बिन दैट मींस बाइनरी फाइल्स और बाइनरी फोल्डर्स। टूल्स दैट मींस ऑल आर ईएक्सई फाइल्स, डॉट ईएक्सई फाइल्स, ठीक है। तो ये सपोज करो आपके सिस्टम में सी ड्राइव में रखा हुआ है आपका टूल्स। हमें इसका देखना है कि हमें क्या चाहिए, टूल्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। हमें यहां तक का या तो पाथ सेट करना पड़ेगा या पर यहां तक कि हमें लिंक चाहिए, कनेक्शन चाहिए जिससे हमें यहां की सर्विसेस मिल सके, ठीक है। अब आप अपना प्रोग्राम सी ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, डी ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्रोग्राम कहां सेव हो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, डी ड्राइव में जाकर क्या करते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं। डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लेते हैं। फोल्डर का नाम रखा हमने माई जावा। माई जावा फोल्डर के अंदर आप अपना प्रोग्राम सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम नोटपैड में हमारा प्रोग्राम किस टाइप से लिख सकते हैं। तो नोटपैड में हमने एक नया फाइल ओपन किया, ठीक है। उसमें हमने एक प्रोग्राम लिखा। प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करेंगे, क्लास स्पेस टेस्ट curly bracket open curly bracket close। यह हमारा क्या हो गया, एक कंप्लीट क्लास बन गया है, ठीक है। एक हमारा कंप्लीट क्लास बन गया है। अब आप यहां पर इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप फाइल पर जाएंगे, फाइल पर सेवेस करेंगे तो वहां पर वो आपसे पूछेगा कि सी ड्राइव में या डी ड्राइव में आपको सेव करना है। तो आप क्या करें, डी ड्राइव के अंदर माई जावा फोल्डर के अंदर इसको test.java नाम से सेव करें, ठीक है। टेस्ट का टी यहां पर कैपिटल है, क्यों कैपिटल लिखना है यह मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूं। किस नाम से सेव करेंगे, test.java से सेव करेंगे। जैसे ही आप test.java से इस फाइल को सेव करेंगे तो डी ड्राइव के अंदर जो आपका फोल्डर बना है माई जावा, इसमें क्या होगा, test.java नाम की एक फाइल बन जाएगी। test.java नाम की क्या हो जाएगा, एक फाइल क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। test.java नाम की एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि ये हमारा एक क्लास तो बन गया है, ठीक है, सेव भी हो चुका है। अब हमारा काम क्या है कि इस फाइल को कंपाइल करना। कंपाइल करना, तो कंपाइल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें यह देखना पड़ेगा कि यह प्रोग्राम, यह फाइल हमारी कहां पर है, ठीक है। तो यह फाइल हमारी कहां पर है, यह फाइल है हमारी डी ड्राइव में माई जावा फोल्डर के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा। अभी आपका कमांड प्रॉम्प्ट कर्सर कहां पर है, सी ड्राइव के अंदर एक प्रोग्राम फाइल्स डायरेक्टरी के अंदर है। तो इसे हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डी ड्राइव में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें यहां पर कमांड क्या लिखना है, कमांड प्रॉम्प्ट पर डी एंटर मारने के बाद, या आप यहां पर सिंपल कर्सर आपका यहां पर है तो यहां पर लिख दें आप डी और कॉलन और उसके बाद आप क्या करें, एंटर मार दें, ठीक है। डी
कॉलन और एंटर, ये आपका ड्राइव चेंज करने का तरीका है। अगर आपको ई ड्राइव में जाना है तो जस्ट राइट ई कॉलन, सी ड्राइव में जाना है तो यूज सी कॉलन, डी ड्राइव में जाना है तो यूज डी कॉलन। ठीक है, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहां पर क्या होगा, आप डी ड्राइव के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, डी ड्राइव के अंदर आने के बाद आपको कहां जाना है, डी ड्राइव में आपको जाना है माई जावा फोल्डर के अंदर। ठीक है, माई जावा फोल्डर के अंदर जाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर सीडी दैट मीन्स चेंज ड्राइव, और यहां पर उस फाइल का डायरेक्टरी का नाम लिखना है, दैट इज माई जावा, माई जावा। ठीक है, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका कंट्रोल कहां पर आ जाएगा, माई जावा फोल्डर के अंदर आ जाएगा, माई जावा फोल्डर के अंदर आपका कंट्रोल आ गया। अब आप कहां पर हैं, जहां पर आपका प्रोग्राम सेव है। अब यहां से आपको प्रोग्राम रन करना है, तो रन करने के लिए आपको क्या चाहिए, रन करने के लिए आपको टूल्स चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए, टूल्स चाहिए, तो आपको यहां तक का कनेक्शन चाहिए। ठीक है, यहां से आप क्या करेंगे, सर्विसेस यूज करेंगे। बाइनरी फोल्डर के अंदर कुछ टूल्स रखे हुए हैं, जैसे जावा कंपाइलर है, जावा इंटरप्रेटर है, प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, जावा प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए जावा कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जावा कंपाइलर हमारा कहां पर रखा हुआ है, जेडीके के अंदर बिन फोल्डर है, बिन के अंदर क्या है, टूल्स है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इतना पूरा क्या करना है, इसका एक पाथ सेट करना है, इसका पूरा पाथ सेट करना है, जिससे क्या होगा कि इस फोल्डर से टूल्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इस टूल से, इस फाइल से, इस डायरेक्टरी से सीधा बाइनरी फोल्डर के अंदर जितने भी टूल्स रखे हुए उन सब का क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। हम वहां पर रखे हुए सॉफ्टवेयर्स का यूज कर सकते हैं, उन टूल्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि माई कंप्यूटर में जाएं, आप माई कंप्यूटर में जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपको कहां जाना है, सबसे पहले सी ड्राइव में। सी ड्राइव के अंदर आप देखेंगे तो या तो प्रोग्राम फाइल्स नाम का फोल्डर होगा या जावा का डायरेक्ट फोल्डर होगा। तो आप क्या करें, जो आपका एड्रेस बार है वहां से ये पूरा कॉपी कर लें। माई कंप्यूटर के अंदर क्या होगा, आपका सी ड्राइव, सी ड्राइव के अंदर क्या होगा, जावा, जावा के अंदर जेडीके, ये ओपन करके देख ले आप, 1.0.1.8.0/bin, बिन तक का आपको पाथ क्या करना है, इसको कॉपी करना है। यहां से आप कॉपी कर लाएं और यहां पर आकर क्या लिखें, आप एक कमांड लिखना है आपको पाथ सेट करने की, जिससे क्या होगा आपका एक टेम्परेरी पाथ सेट हो जाएगा। तो यहां पर लिखना है आपको सेट, सेट इज अ कमांड। ठीक है, सेट स्पेस पाथ, पाथ यहां पर क्या है, एक सिस्टम वेरिएबल है, सेट पाथ इक्वल टू, सेट पाथ इक्वल टू, और जो भी आप कॉपी करके लाए हैं उसको यहां पर क्या कर दें, पेस्ट कर दें। ठीक है, पेस्ट कर दें, तो पेस्ट करने के लिए आप अगर कॉपी करके लाए हैं तो यहां पर माउस को राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे ही पेस्ट करेंगे तो ये लाइन यहां पर आ जाएगी, सी कॉलन स्लैश जावा जेडीके 1.8.0/bin। ठीक है, इसके बाद आप सेमी कॉलन लगा दें और एंटर मार दें। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपके प्रोग्राम से जावा के टूल्स जहां पर रखे हुए हैं उसका पाथ सेट हो चुका है। ठीक है, आपको चेक करना है कि आपका पाथ सेट हुआ है कि नहीं, तो एंटर मारने के बाद आपको ये दिखेगा इस टाइप से, माई जावा, माई जावा। ठीक है, तो चेक करना है कि पाथ सेट हुआ है कि नहीं, तो आप क्या लिखें, ओनली जावा सी लिख दीजिए, जावा सी, और एंटर मार दीजिए। ठीक है, अगर पाथ सेट हो गया है तो यहां पर बहुत सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी, यहां पर बहुत सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। और अगर बाय डिफॉल्ट बाय चांस पाथ सेट नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम रही है, तो जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड नाम का एक कमांड आएगा, इसका मतलब है कि आपका पाथ सेट नहीं हुआ है। ठीक है, जावा सी लिखने के बाद डेफिनेटली आपकी बहुत सारी फाइल्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका पाथ सेट हो चुका है, अब आप अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेसफुली रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सक्सेसफुली रन करने के लिए आपको यहां पर क्या लिखना है, जावा के प्रोग्राम को सबसे पहले आपको कंपाइल करना है। ठीक है, दो स्टेप रहेंगी आपकी, कंपाइल एंड रन, कंपाइल
कंपाइल, और सेकंड में आपको क्या करना रहेगा, रन। ठीक है, कंपाइल करने के लिए कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसके लिए एक exe फाइल रखी हुई है बिन फोल्डर के अंदर, और उसका नाम है जावासी। ठीक है, आपको जावासी दिखेगा, बट एक्चुअली ये क्या है, javasi.exe फाइल है, javasi.exe फाइल है। दैट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है, आपका कंपाइलर है, जावा कंपाइलर है। ठीक है, तो जावा कंपाइलर को इनपुट में हमेशा क्या चाहिए, जावा फाइल चाहिए, डॉट जावा फाइल। ठीक है, क्या, सोर्स कोड, सोर्स कोड और डॉट जावा फाइल। ठीक है, जो कि यहां पर ऑलरेडी सेव है, टेस्ट डॉट जावा से आपने क्या किया है, सेव किया हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं हम, डॉट जावा फाइल और सोर्स कोड और जावा सोर्स कोड। ठीक है, तो अब इस प्रोग्राम को हम कंपाइल करते हैं पाथ सेट करने के बाद। तो कंपाइल करने के लिए आपको क्या लिखना है, यहां पर जावासी स्पेस देने के बाद क्या चाहिए कंपाइलर को इनपुट में, डॉट जावा फाइल, क्या चाहिए, डॉट जावा फाइल। तो आपको जावा सी के बाद क्या लिखना है, टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, ये सब स्मॉल में है, सारे स्मॉल में, टेस्ट डॉट जावा। ठीक है, और एंटर मारना है। ठीक है, अगर सोर्स कोड में क्लास लिखने की जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स वाइज अगर आपका कोड सही है, ठीक है, तो कंपाइलर पहले तो चेक करेगा कि आपने क्लास के सिंटेक्स सही लिखे हैं, जैसे सिंटेक्स दैट मीन्स कि कर्ली ब्रैकेट ओपन किया है आपने, कर्ली ब्रैकेट प्रॉपरली क्लोज किया है, जितने कर्ली ब्रैकेट ओपन हुए हैं उतने ही कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुए, इस टाइप की चीजें कंपाइलर के अंदर एक पार्सिंग सॉफ्टवेयर है वो चेक करता है, पार्सर बोलते हैं उसे। ठीक है, तो वो चेक करेगा अगर सिंटेक्स वाइज हमारा जावा का प्रोग्राम क्या है, करेक्ट है, तो प्रोग्राम विल कंपाइल सक्सेसफुली। ठीक है, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, तो यहां पर इस टाइप से आपको आ जाएगा डी कॉलन माई जावा। ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज कोई एरर प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारा प्रोग्राम जो हमने लिखा है, क्लास टेस्ट कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाए, तो उसके बाद आप क्या चेक कीजिए, आपको कहां जाना है, वापस डी ड्राइव के अंदर जो माई जावा फोल्डर है इसके अंदर जाना है। ठीक है, पहले आपने देखा था कि इसमें एक ही फाइल थी टेस्ट डॉट जावा, इसके अंदर एक ही फाइल आपने सेव की थी टेस्ट डॉट जावा। जैसे ही आप प्रोग्राम को क्या कर देंगे, कंपाइल कर देंगे, सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, तो इस सोर्स कोड का एक बाइट कोड बन जाएगा, इस सोर्स कोड का क्या बन जाएगा, एक बाइट कोड बन जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जावा बाइट कोड। ठीक है, सी सी प्लस प्लस में प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद ऑब्जेक्ट कोड बनता है, लेकिन जावा में प्रोग्राम कंपाइल होने के बाद ऑब्जेक्ट कोड बनता है, जो कि क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जावा बाइट कोड इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कोड। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो क्या होगा, टेस्ट डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, टेस्ट डॉट क्लास। ठीक है, आप ओपन करके देखें इसमें क्या बन जाएगा, टेस्ट डॉट क्लास, टेस्ट डॉट क्लास, जो क्लास का नेम है, ठीक है, जो क्लास का नेम है उसी का डॉट क्लास फाइल बनेगा। एक चीज और देखने वाली बात यह है कि अभी तो हमारे प्रोग्राम में क्या है, एक ही जावा क्लास है। ठीक है, एक ही क्लास है, एक ही क्लास है टेस्ट। ठीक है, तो उसको कंपाइल किया हमने तो क्या हुआ, टेस्ट डॉट क्लास फाइल बन गया। अगर हमारे प्रोग्राम में 100 क्लासेस हैं तो आफ्टर कंपाइलेशन 100 डॉट क्लास फाइल भी बनेगी, याद रखिएगा, रिमेंबर इट। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और है, कंपाइल करने का तरीका आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब किसी के दिमाग में यह आ रहा होगा कि क्या इसको टेस्ट डॉट जावा नाम से ही सेव करना है। ठीक है, टेस्ट डॉट जावा से अगर सेव करते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि यहां पर टेस्ट का जो टी है वो कैपिटल है। जावा की जितनी भी इनबिल्ट क्लासेस है, जावा की जितनी भी खुद की क्लासेस है, उन्होंने इस रूल को फॉलो किया है कि जितनी भी क्लासेस हैं उनका फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल है। जैसे जावा में एक सिस्टम नाम की क्लास है, ठीक है, सिस्टम आगे पढ़ेंगे हम, तो सिस्टम का एस क्या है, कैपिटल। ठीक है, जावा ने फॉलो किया इसको, एस कैपिटल फर्स्ट लेटर। जावा में एक स्ट्रिंग नाम की क्लास है,
स्ट्रिंग, ठीक है, जावा में एन नंबर ऑफ क्लासेस स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का भी एस क्या है, कैपिटल है, ठीक है। तो जो जावा फॉलो कर रहा है उसको हम भी फॉलो करें तो अच्छा रहेगा। आप अगर इसका नाम चेंज करना चाहें तो चेंज हो जाएगा, लेकिन सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही होगी कि जिसको जावा फॉलो कर रहा है, ठीक है, उसे हम भी फॉलो करें, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अगर इसका नेम चेंज कर दिया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा। इस प्रोग्राम को आप, एक चीज तो कंपलसरी है कि आपको डॉट जावा एक्सटेंशन लगाना जरूरी है, ठीक है। फाइल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, फाइल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमने फाइल का नेम क्या रखा, बीसीए, बीसीए, लेकिन एक्सटेंशन क्या लगाया, डॉट जावा, ठीक है, बीसीए डॉट जावा। आप क्या करो, इस प्रोग्राम को फाइल पे जाओ, सेव एज करो, सेव एज करने पर क्या पूछेगा वो कि फाइल का नेम क्या है, ठीक है, आप उस पर नेम क्या दे दीजिए, बीसीए डॉट जावा, ठीक है, सेव कर दीजिए, ठीक है। प्रोसेस वही करना है आपको कि आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोग्राम को दोबारा आप कंपाइल कीजिए, ठीक है, दोबारा कंपाइल कीजिए। तो कंपाइलर को क्या चाहिए, सोर्स फाइल, सोर्स फाइल का नेम अब क्या बन चुका है, बीसीए डॉट जावा, ठीक है। तो हम यहां पर क्या देंगे कंपाइलर को, बीसीए डॉट जावा, बीसीए डॉट जावा, ठीक है। जैसे ही आप कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन सक्सेसफुली होने के बाद क्या होगा, यहां पर इस फोल्डर के अंदर क्या होगा, एक डॉट क्लास फाइल और बन जाएगा क्या, नहीं, हमने क्लास का नेम क्या रखा है, टेस्ट ही रखा है, ठीक है। आपने क्या रखा है, बीसीए डॉट जावा फाइल का नेम रख दिया है, ठीक है, लेकिन इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डॉट क्लास फाइल नहीं बनेगा, क्योंकि क्लास का नेम, आपने फाइल का नेम चेंज किया, क्लास का नेम क्या है, वही है, ठीक है, क्लास का नेम वही है, ठीक है। तो अभी हमने इससे पहले क्या लिखा था कि जो क्लास का नेम है वही हम क्या रख रहे थे, फाइल का नेम, ठीक है। तो प्रोग्राम को कंपाइल करने और रन करने में ये क्या हो जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। यहां पर हमें दो चीजें याद रखना पड़ेगी, कंपाइलेशन के टाइम पर सोर्स कोड, दैट मीन्स बीसीए डॉट जावा फाइल, लेकिन अभी मैंने रन करने का तरीका नहीं बताया, जब रन करेंगे तब हमें डॉट क्लास फाइल का नेम पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम टेस्ट डॉट जावा से ही सेव कर रहे हैं तो सोर्स कोड का नेम भी टेस्ट डॉट जावा है, जब इसका बाइट कोड बनेगा या डॉट क्लास फाइल बनेगा तो टेस्ट नाम से ही बनेगा, टेस्ट डॉट क्लास फाइल, ठीक है। लेकिन यहां पर अगर हम सोर्स फाइल का नेम चेंज कर रहे हैं, बीसीए डॉट जावा, ठीक है, तो कंपाइलेशन के बाद टेस्ट नाम का ही क्या बनेगा, डॉट क्लास फाइल बनेगा। तो कंपाइल और रन करते समय हमें दो फाइल्स के नेम याद रखना पड़ेगा कि फाइल का नेम, सोर्स कोड का नेम क्या है और डॉट क्लास फाइल का नेम क्या है, ठीक है। तो बेटर प्रैक्टिस क्या रहेगी आपके लिए कि जो क्लास का नेम आप ले रहे हैं वही क्या रख दें, आप फाइल का नेम भी रख दें, ठीक है। अब दूसरा दिमाग में यह आ रहा होगा कि अगर हम यहां पर स्मॉल लेटर रख दें तो अब क्या होगा, ठीक है, स्मॉल लेटर आप रख सकते हैं, कोई कंपल्सन इस टाइप से नहीं है कि फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होना चाहिए, आप स्मॉल रख सकते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि हम स्मॉल रख देते हैं, हमने यहां पर रखा टेस्ट, ठीक है, और सपोज करो कि इसको हमने टेस्ट डॉट जावा से ही सेव कर दिया, टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। सेव करने का तरीका वही है, फाइल पर जाइए, सेव एज कीजिए, टेस्ट डॉट जावा लिख दीजिए, ठीक है। जब आप इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंपाइलर को देंगे, ठीक है, कंपाइलर को देंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे आप, सोर्स कोड टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा, ठीक है। तो आप जैसे ही कंपाइलेशन सक्सेसफुली हो जाएगा तो इस फोल्डर के अंदर टेस्ट डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, एक टेस्ट डॉट क्लास फाइल एक्स्ट्रा बन जाएगी, है ना। ये तो पुरानी बनी हुई है, जब आपने क्लास का नेम क्या रखा था, टेस्ट, तो ये ऑलरेडी रहेगी, आप इसको डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अभी जो प्रोग्राम आपका कंपाइल हुआ है उसका इफेक्ट क्या होगा कि यहां पर एक टेस्ट डॉट क्लास फाइल बन जाएगी, ठीक है। तो हमें समझ में क्या आया यहां पर कि क्लास लिखते कैसे हैं, ठीक है, यहां पर क्लास एक कीवर्ड है, ठीक है, और टेस्ट क्या है, क्लास का नेम है, एनी वैलिड आइडेंटिफायर का आप यूज कर सकते हैं, बेटर यही होगा कि फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें, आगे आपको बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, ठीक है। जावा फाइल को आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, इवन डॉट जावा कंपलसरी है, ठीक है, आप स्पेस या कुछ भी नहीं दें और डॉट जावा लिख दें तो भी प्रोग्राम आपका चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम वापस प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, ओरिजिनल फॉर्मेट में ले आते हैं, क्लास का नेम क्या रख देते हैं हम, टेस्ट, और इसको
टेस्ट डॉट जावा से ही क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा से ही सेव कर दिया। ठीक है, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूं। तो हमारे पास क्या है, टेस्ट डॉट क्लास फाइल भी है। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा कि प्रोग्राम को अभी हमने क्या किया, ओनली कंपाइल। ठीक है, कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली सोर्स फाइल, कंपाइलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स फाइल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रोग्राम को रन करना है। रन कौन करेगा प्रोग्राम को, जेवीएम, जेवीएम। ठीक है, प्रोग्राम को कौन रन करेगा, जेवीएम। ठीक है, जेवीएम के लिए सॉफ्टवेयर क्या दिया हुआ है, जावा। जैसे कंपाइलर के लिए क्या दिया हुआ है, जावा सी, ठीक है, डॉट ईएक्सई। तो यहां पर जेवीएम के लिए दिया है जावा, जावा। ठीक है, जावा कमांड या जावा डॉट ईएक्सई, यही हमारा क्या है, इंटरप्रिटर है, यही हमारा क्या है, जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेन मेथड, जावा वर्चुअल मशीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेन मेथड। ठीक है, तो जावा वर्चुअल मशीन जो जावा कमांड है, जैसे जावा सी कमांड था, ठीक है, जावा सी कमांड है, तो इसको हम इनपुट में क्या दे रहे थे, डॉट जावा फाइल। ठीक है, डॉट जावा फाइल। ठीक है, जैसे ही हम प्रोग्राम को क्या करेंगे, रन करेंगे या जेवीएम या जावा कमांड चलाएंगे, तो इसको इनपुट में क्या देंगे, जो आपकी डॉट क्लास फाइल बनी है, जो आपकी डॉट क्लास फाइल बनी है, ये देंगे। ठीक है, तो जेवीएम सबसे पहले क्या करेगा, इस डॉट क्लास फाइल को एक्सेस करेगा। ठीक है, जेवीएम डॉट क्लास फाइल को क्या करेगा, एक्सेस करेगा और इसमें सर्च करेगा कि इसमें मेन मेथड है कि नहीं। ठीक है, क्या सर्च करेगा कि इसमें मेन मेथड है कि नहीं। तो जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए हमने ये लिखा, ठीक है, टेस्ट डॉट जावा। जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें कमांड लिखना है जावा, जावा। ठीक है, और इस जावा या इस जेवीएम या इस इंटरप्रेटर को हम क्या देंगे, जो हमारी डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, टेस्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो टेस्ट लिखा आपने, ये टेस्ट डॉट जावा नहीं है, ये टेस्ट डॉट क्लास फाइल है, और आपको यहां पर केवल टेस्ट ही लिखना है। ठीक है, टेस्ट ही लिखना है, आपको डॉट क्लास नहीं लिखना है। ठीक है, इसके पीछे भी कुछ स्टोरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो क्या करेगा, जेवीएम यहां पर एक एरर प्रोड्यूस करेगा, मेन मेथड नॉट फाउंड। क्या मेथड एरर देगा, मेन मेथड नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। और साथ में कुछ इंस्ट्रक्ट भी हमें करेगा, गाइड भी करेगा, क्या बोलेगा, प्लीज डिक्लेयर मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, क्या इंस्ट्रक्ट करेगा, प्लीज प्लीज डिक्लेयर, डिक्लेयर मेन मेथड एज, प्लीज डिक्लेयर मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। क्या इंस्ट्रक्ट करेगा, प्लीज डिक्लेयर मेन मेथड एज पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर कुछ रहेगा, स्ट्रिंग एआरजीएस, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है। क्या बोला उसने, जेवीएम सबसे पहले जेवीएम सोर्स कोड को चेक नहीं करता, जेवीएम को हम इनपुट में ही क्या दे रहे हैं, डॉट क्लास फाइल दे रहे हैं, तो सबसे पहले वो उसमें क्या सर्च करता है कि उसमें मेन मेथड है। ठीक है, मेन मेथड अगर है तो क्या वो प्रॉपर फॉर्मेट में है, प्रॉपर फॉर्मेट दैट मींस पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ऐसा क्यों हो रहा है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हम अब हमारे प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज किया हमने, तो यहां पर हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक, सारे स्मॉल लेटर में है, पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग, याद रखिएगा स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, बिकॉज स्ट्रिंग इज अ क्लास, स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट ए आर जी एस, स्क्वायर ब्रैकेट
सॉरी पैरेंथेसिस क्लोज, ठीक है, और ये मेथड का ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस, ठीक है, ये मेथड का यहां पर क्या हो जाएगा आपका बॉडी लिख सकते हैं आप, डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हमने क्या क्या लिखा यहां पर, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे आक्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट करता है अरे को, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, अरे को। और यहां पर जो एआरजीएस लिखा है ये है अरे नेम, ठीक है, अरे नेम स्ट्रिंग क्लास नेम है और वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो अरे है वो किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। यहां पर स्ट्रिंग अरे आग से ही क्यों लिखते हैं उसको भी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि पब्लिक यहां पर क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है। सी सी प्लस प्लस आप पढ़ चुके हैं तो आप वहां पर वॉइड मेन का यूज कर चुके हैं। वहां पर मेन क्या है, एक यूजर डिफाइन फंक्शन है, यूजर डिफाइन मेथड है, सेम जावा में भी यूजर डिफाइन मेथड है, या हम ये बोल सकते हैं कि क्या है ये फंक्शन है, ठीक है, मेन क्या है, फंक्शन है। लेकिन उसके आगे हमने क्या लगा रखा है, पब्लिक लगा रखा है, स्टैटिक लगा रखा है, वॉइड लगा रखा है, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या पास कर रखा है यहां पर, स्ट्रिंग अरे आर्क्स, ठीक है। तो हम एक एक को वन बाय वन चेक करते हैं कि ये क्या चीज है, ठीक है। यहां पर पब्लिक एक मॉडिफायर है, पब्लिक एक मॉडिफायर है, साथ में एक कीवर्ड भी है। पब्लिक क्या है, एक मॉडिफायर है, क्यों लगाते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पब्लिक इज अ मॉडिफायर, पब्लिक इज अ मॉडिफायर, ठीक है। पब्लिक दैट मींस कि इस मेथड को पब्लिकली कोई एक्सेस कर सके, ठीक है। ये मॉडिफायर लगाने का पर्पज क्या है कि इस मेथड को पब्लिकली कोई एक्सेस करना चाहे तो वो इजीली कर सके, ठीक है। पब्लिक एक मॉडिफायर है, ठीक है। स्टैटिक, स्टैटिक सारे के सारे स्मॉल में, स्टैटिक भी एक मॉडिफायर है, स्टैटिक इज अ मॉडिफायर, इज अ मॉडिफायर। पब्लिक एक मॉडिफायर है ताकि मेन मेथड को कोई भी इजीली एक्सेस कर सके बाहर से, ठीक है। स्टैटिक एक मॉडिफायर है, स्टैटिक एक मॉडिफायर है, ठीक है। इसका यूज क्यों करते हैं वो हम देखते हैं कि स्टैटिक मॉडिफायर का यूज हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और पब्लिक और स्टैटिक यहां पर दोनों ही क्या है, मॉडिफायर है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि मॉडिफायर का ऑर्डर आप इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं आएगा, लेकिन मॉडिफायर का ही होगा, ठीक है। किसी नॉर्मल कीवर्ड का आप मॉडिफायर से प्लेस इंटरचेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि हम यहां पर मेन मेथड को कैसा लिख सकते हैं, स्टैटिक पब्लिक लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि पब्लिक भी आपका क्या है, मॉडिफायर है, स्टैटिक भी क्या है आपका, मॉडिफायर है। तो आप पब्लिक स्टैटिक लिखें या स्टैटिक पब्लिक लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। अब स्टैटिक क्यों लिख रहे हैं हम ये देखते हैं, ठीक है। जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम उसको क्या बोलते हैं कि जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, जावा इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अभी मैंने आपको जावा का पहला प्रोग्राम रन करना बताया, ठीक है, कंपाइल करना बताया, रन करना बताया, ठीक है। लेकिन न तो कंपाइलेशन में मैंने ऑब्जेक्ट का नाम लिया कुछ, न ही मैंने रन करते समय ऑब्जेक्ट का कुछ भी जिक्र किया, ठीक है। तो बिना ऑब्जेक्ट के हमने क्या किया, प्रोग्राम बना भी लिया, कंपाइल भी कर लिया, रन भी कर लिया, कहीं से कहीं तक ऑब्जेक्ट अभी पिक्चर में नहीं आया, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि स्टैटिक जो मॉडिफायर है इसका पर्पस क्या है। स्टैटिक मॉडिफायर का पर्पस यह है कि यह हमें एक्सेस करने की जो फैसिलिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। मेन मेथड के आगे स्टैटिक लगा हुआ है, दैट मींस कि मेन मेथड को एक्सेस करने के हमें एक से ज्यादा तरीके मिल जाएंगे, ठीक है। तो जावा में या कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई सा भी मेथड हो और कोई सा भी फंक्शन हो, मेथड हो या फंक्शन हो, ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या हैं कि जो आपका फंक्शन है, ठीक है,
वो या तो स्टेटिक होगा या नॉन स्टेटिक भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शन और मेथड मे बी स्टेटिक और नॉन स्टेटिक, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अगर आपका फंक्शन और मेथड नॉन स्टेटिक हुआ तो क्या, नॉन स्टेटिक मेथड, नॉन स्टेटिक मेथड अगर है तो इस मेथड को अगर हमें एक्सेस करना है तो वी नीड ऑब्जेक्ट। इस मेथड को अगर हमें एक्सेस करना है, नॉन स्टेटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। कैसे उसको रन करेंगे या कैसे एक्सेस करेंगे, तो ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम एक्सेस। तो हमें क्या चाहिए, उस क्लास का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। और उसको एक्सेस कैसे करेंगे हम, सपोज करो कि टी कोई ऑब्जेक्ट है तो हम क्या लिखेंगे, टी। और सपोज करो कि आपका मेथड एम वन है, ठीक है, मेथड क्या है आपका M1 है, तो हमें लिखना पड़ेगा यहां T डॉट M1, ठीक है। इस टाइप से ये क्या होगा, एक्सेस होगा, ठीक है, कौन, नॉन स्टेटिक मेथड। दैट मींस कि हमें क्या बनाना पड़ा, सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा और ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम लिखकर हमने क्या किया, उस मेथड को रन कर दिया, ठीक है। ये तो किसके लिए लिखा हमने, नॉन स्टेटिक मेथड के लिए। अब हम देखते हैं कि अगर मेथड को स्टेटिक कर देते हैं तो क्या फायदे मिलते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि कोई मेथड कैसा है, स्टेटिक है, ठीक है, स्टेटिक मेथड है, तो उसको रन करने के लिए दो तरीके हैं कि आप उसको एक्सेस करने के लिए, फर्स्ट वन जो है यूजिंग ऑब्जेक्ट, जैसा आप नॉन स्टेटिक मेथड को कर रहे थे वैसा ऑब्जेक्ट के साथ तो रन हो ही जाएगा, नो इश्यू, ठीक है। बट सेकंड जो है फैसिलिटी वो ही यूजिंग क्लास, यूजिंग क्लास नेम, क्लास नेम, यूजिंग क्लास नेम, यूजिंग क्लास नेम। तो अगर सपोज करो कि मेथड M1 ही है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के साथ रन करना है तो सेम वैसे ही T डॉट M1, ठीक है। और अगर सपोज करो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, अभी पूरे क्लास में मैंने आपको कहीं से कहीं तक ऑब्जेक्ट बनाना नहीं बताया, लेकिन फिर भी मेन मेथड एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो मेन मेथड को एक्सेस करने के लिए अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हम इसको रन कर सकते हैं क्योंकि मेन मेथड कैसा है, स्टेटिक है। मेन मेथड कैसा है, स्टेटिक है, तो क्लास नेम के साथ कैसे यूज होगा, क्लास क्या है आपकी, टेस्ट, तो आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, टेस्ट डॉट मेन, या सपोज करो M1 मेथड है तो टेस्ट डॉट M1, ठीक है। तो स्टेटिक मेथड को एक्सेस करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, यूजिंग ऑब्जेक्ट वी कैन रन अवर स्टेटिक मेथड, और विदाउट ऑब्जेक्ट यूजिंग द क्लास नेम वी कैन रन अवर स्टेटिक मेथड, ठीक है। तो बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मेन मेथड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मेन मेथड को क्या बनाया, स्टेटिक, ठीक है, कि विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट मेन मेथड को जेवीएम क्या कर रहा है, रन कर रहा है, इसलिए उसको क्या बना दिया हमने, स्टेटिक, ठीक है। इसको हम आगे के लेक्चर में डिस्कस, कंप्लीट डिस्कस करते हैं पब्लिक स्टेटिक वॉइडमैन को, ठीक है। आप इसकी स्टडी कीजिएगा और धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा।